क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषमपोषी जीव अपने उत्तर जीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? ठीक है, ऑप्शन कवक, शैवाल, हरे स्वपोषी पर या फिर मिट्टी पर। आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते रहिएगा और बाद में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विषमपोषी कहने का यहाँ पर तात्पर्य परपोषी से जा रहा है, हेटरोट्रॉपिक से जा रहा है। तो जितने भी हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, विषमपोषी जीव होते हैं, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस जीव पर निर्भर होते हैं? स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। अगला प्रश्न है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करेगा? निर्भर करेगा प्रकाश संश्लेषण पर। चूंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए मैंने बता ही दिया था कितने कच्चे सामग्री वगैरह की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही वह मेन वजह है जिसके वजह से रंध्र का खुलना और बंद होना होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश के कारण, ये सब चीज़ उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, किसी मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ उत्पाद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? मैलिक अम्ल। यानी किसी भी मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा पदार्थ का उत्पाद बनता है? तो वह है आपका मैलिक अम्ल। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर बने रहें। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य ऊर्जा जो होती है, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है, उसको किस में बदली जाती है? रासायनिक ऊर्जाएं बदली जाती है। कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जाएं बदली जाती है। और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। अगला है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। अब देखिए, त्रिकोष्ठीय हृदय कहने का मतलब होता है थ्री चैम्बर। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस ऑप्शन में दिया गया है जिनके हार्ट में तीन चैम्बर होते हैं? ठीक है, तो देखिए मैं इसमें सारे का बता भी दे रहा हूँ। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। ठीक है, यानी कि सरीसृप, रेप्टिलियंस और मेढक, यानी कि एम्फीबियंस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रेप्टिलियंस की और एम्फीबियंस की, तो इन सभी में तीन चैम्बर पाए जाते हैं हर्ट में। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य बिलोंग करता है मैमेलियंस से, मैमेलिया वर्ग से बिलोंग करता है। तो मैमेलियंस के हर्ट में चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एवीज वर्ग का, जैसे कि पक्षी वगैरह, उनमें भी चार चैम्बर होते हैं। और पीसीज यानी मछली की बात करें तो उनके हर्ट में कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा, मैंने अभी बताया क्या, मैमेलिया यानी कि मनुष्य में कितने, तो चार। कितने हो जाएंगे? मैमेलिया मनुष्य में चार। या फिर एवीज की बात करें यानी कि पक्षी वर्ग की बात करें, तो उसमें भी चार है ना। और एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस की बात करें तो इनके हार्ट में तीन, और पीसीज की बात करें तो उनके हार्ट में दो चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि पीसीज वर्ग का जो जीव है उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपका, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। किस क्रिया द्वारा पौधे जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, इसका करेक्ट आंसर आप लोग भी कमेंट में जरूर बता सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ आपका वृक्क। वृक्क यहाँ पर याद रखिएगा, वृक्क हिंदी टर्म है, इंग्लिश में इसको किडनी कहा जाता है। तो किडनी जो है वह एक तंत्र का भाग है हमारे शरीर में, वह किस से संबंधित है? तो किडनी उत्सर्जन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किडनी का वर्क क्या है? हमारे शरीर में जितने भी नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण होता है उन सभी को शरीर से छानने का काम करता है, ब्लड से छानने का काम करता है। यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण भी कहाँ होता है? किडनी में भी होता है। कहाँ होता है? किडनी में ही होता है ब्लड का शुद्धिकरण। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया या किसी कारणवश काम करना बंद कर दिया, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति में ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, जिसके कारण नाइट्रोजनी पदार्थ का सांद्रण बढ़ते रहेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यदि उसका डायलिसिस कराया जाए कृत्रिम तरीके से, तो वह व्यक्ति जीवित रह सकता
डायलिसिस एक कृत्रिम तरीका है जिसके जिसके सहायता से जितने हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको क्या किया जा सकता है, प्योर कराया जा सकता है। तो डायलिसिस के माने हाला मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं, कोशिकीय बाह्य तरल किसे कहते हैं। तो कोशिकीय बाह्य तरल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा लसिका। क्या हो जाएगा? लसिका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें रक्त की तो रक्त तो हमारा ब्लड सेल्स ही है, ठीक है ना। हमारा जो ब्लड है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रक्त कणिका और एक होता है प्लाज्मा, जिनमें से प्लाज्मा भी आपका किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। रक्त कोशिका भी क्या होता है, आपका कण के रूप में पाया जाता है। लेकिन लसिका जो होता है, लसिका में आपके रक्त कणिका तो पाए जाते ही चाहे जाते हैं, लेकिन सिर्फ WBC क्या पाया जाता है, सिर्फ WBC। RBC और प्लेटलेट्स उसमें नहीं पाया जाता, किसमें? लसिका में। लसिका को इंग्लिश में लिम्फ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका बाह्य तरल किसे कहते हैं, कोशिकीय बाह्य तरल, तो ये हो जाएगा लसिका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि किसके रूप में होता है, हमारे सॉरी पौधे के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वह किसके रूप में संचारित होता है उसके शरीर में। इसमें इस क्वेश्चन में दो, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन निकलेंगे। सबसे पहले तो बात आएगा कि फ्लोएम किसका परिवहन कराता है, तो एक तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, या यूँ कह सकते हैं फूड पार्टिकल्स जो बनते हैं उनका परिवहन कौन कराएगा, फ्लोएम हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में डायरेक्ट परिवहन नहीं कराता है, वह सुक्रोज के रूप में कराता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत तनों और अंकुरणशील बीजों में भोजन के परिवहन की दिशा होती है। अंकुरणशील हो जाएगा, यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा सा, देख लीजिएगा। भूमिगत तनों और अंकुरणशील बीजों में भोजन के परिवहन की दिशा क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचे की ओर। क्या हो जाएगा? नीचे की ओर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो मैंने अभी बताया था फ्लोएम जो है वह उत्तरदायी है कार्बोहाइड्रेट अर्थात फूड पार्टिकल्स के लिए, और जाइलम क्या हो जाएगा, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जाइलम के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, जल में और जल में, जाइलम में और जल में, दोनों में फर्स्ट जो वर्ण आ रहा है वह ज ही आ रहा है। तो इस ट्रिक के हिसाब से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पादप में जल किसका, जल का परिवहन कौन कराता है, जाइलम, और खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। और मैंने जाइलम और फ्लोएम के बारे में फर्स्ट पार्ट में बढ़िया से डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसको यदि आप लोगों को उसको देखना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपका, स्वपोषण स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जो सेल्फ न्यूट्रिशन चाहते हैं, जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उनके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, तो इसमें ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो देखिए स्वपोषण जो होता है जनरली, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस में होता है, तो स्वपोषी जो होता है वह जनरली होता है पौधों में। किस में होता है? पौधों में होता है, यानी जिनमें हरित लवक की उपस्थिति होती है उनमें क्या पाया जाता है, स्वपोषण पाया जाता है। और स्वपोषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चार कच्चे सामग्री की जरूरत होती है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और एक क्या क्या चाहिए, जल चाहिए। क्या चाहिए? H2O भी चाहिए। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करें, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कहाँ होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। यानी पाइरूवेट का जो विखंडन होता है जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मिलता है, वह कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म याद रखें, कोशिका द्रव्य में जो होता है पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन मिलता तो है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमारे शरीर में जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है अर्थात श्वसन की प्रक्रिया है वह दो तरह का होता है। ऑक्सीजन मिला तो उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसे बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, इसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और वायवीय को एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो पाइरूवेट का विखंडन होता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो वह कहाँ बनता है, कोशिका द्रव्य में। लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तब वह प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम मात्रा में निकलता है। और जो एनर्जी निकलता है वह किस रूप में संचित रहता है, ATP के रूप में। किस रूप में?
एटीपी के रूप में, और एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी है क्या, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, 15वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन भी आप लोगों का दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि चलिए आगे, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब वहाँ सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है उसमें। तो सूर्य के प्रकाश का काम क्या है, सूर्य के प्रकाश का काम है जल को विखंडित करना। क्या करना, जल को विखंडित करना, और जल जब विखंडित होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो जल से निकलती है, कहाँ से निकलती है, जल से। अगले प्रश्न की बात करें, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसे पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। अब आप किसका आंसर दीजिएगा तो बताइएगा कि मानव रक्त जो है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है या कौन सा धातु पाया जाता है, मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है, ग्लूकोज के एक अणु में के संपूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने अभी कहा था कि ग्लूकोज अणुओं के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आएगा, ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब एनर्जी निकलता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण होने के बाद। अब ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब ऑक्सीकरण के बाद क्या बनेगा, तो एटीपी बनेगा। अब जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के बाद एटीपी बना तो कितने एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी बनेंगे, कितने, 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, वाक्य यंत्र पाया जाता है, ठीक है, तो वाक्य यंत्र पाया जाता है आपका गले में। क्या पाया जाता है, गले में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्या बोल सकते हैं इसको, इजी क्वेश्चंस हैं। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु। देखिए रक्त के थक्के बनने से, रक्त का जो थक्का बनता है वह एक तो हो गया पट्टिकाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स, और इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या है, वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। जहाँ तक रक्त की बात करूँ तो रक्त होते हैं जनरली तीन प्रकार के, आप लोगों को पता होगा, RBC, ठीक है, WBC, और एक क्या होते हैं, प्लेटलेट्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि हिंदी में पट्टिकाणु बोलते हैं। तो RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट, और रक्त पट्टिकाणु का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। RBC का काम है श्वसन गैस का परिवहन करना, WBC का काम क्या है, WBC का काम हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करना, और प्लेटलेट्स का काम क्या है, हमारे शरीर में ब्लड जो होता है उसको थक्का करना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जीवित कोशिकाओं में से बने पादप उत्तक, है ना, तो इनमें जो ऑप्शन दिया गया, इनमें कौन सा ऐसा पादप उत्तक है जो जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि जाइलम चार प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन जाइलम की जो तीन उत्तक होते हैं वो मरे हुए होते हैं सिवाय जाइलम मृत उत्तक के, क्योंकि इनमें एकमात्र जाइलम मृत उत्तक ही पाया जाता है जो जीवित होता है, बाद बाकी सभी मरे होते हैं। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का सभी उत्तक जो होता है वह जीवित रहता है, फ्लोएम का सभी उत्तक जीवित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका एक मिनट दोस्तों, ये इस क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो गया, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, हाँ,
तीसवा प्रश्न है, पौधे वे पौधे जिनका पोषण सरी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो जीव या पौधे सरी गले चीज़ों पर आश्रित होते हैं पोषण के लिए उन्हें कहा जाता है मृतजीवी। और एक टर्म याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, मृतजीवी को और किस नाम से जाना जाता है। तो मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, यानी कि डीकम्पोजर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं और उनके शरीर के सतह से विसरण क्रिया द्वारा उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न स्वपोषण के लिए आवश्यक है, तो ये भी मैंने बता ही दिया था, सभी हो जाएगा। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषी अंगक की जहाँ तक बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा आपका हरित लवक, और पत्ती क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी अंग हो जाएगा। ठीक है, तो अंग और अंगक में अंतर आप लोगों को याद रखना। अंगक वह छोटी इकाई होता है जिसके कारण कोई भी काम हो पाता है, ठीक है ना। तो यूनिट बोल सकते हैं इसको, अंगक को हम लोग इंग्लिश में यूनिट बोल सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा यूनिट की जरूरत होती है, हरित लवक का होना अनिवार्य है। ठीक है, हरित लवक किस में बनेगा, पत्ती में बनेगा। पत्ती को अंग कहा जाता है और हरित लवक को अंगक कहा जाता है, या प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.03%। अब देखिए, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद पाया जाता है आपको ऑक्सीजन, उसके बाद आपको पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यह पाया जाता है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो यह हो जाता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के 99% होते हैं। कितने? 99%। अब जो बाकी शेष बचा 1%, इसी में आपके सारे गैस होते हैं, जैसे आपका उत्कृष्ट गैस हो गया, चाहे जो भी गैसेस हो गए, सारी इसी में पाए जाते हैं 1% में। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27वां नंबर क्वेश्चन का, छोटी आंत का। ठीक है, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। देखिए मैंने बता ही दिया है, मैंने पहले, देखिए ये सारा क्वेश्चंस मैंने पहले करा दिया है ऑनलाइन ईयर में, यदि आप लोगों को देखना है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि वो देख लेने के बाद इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और अगर होता क्या है, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो चीज़ें हमें और अच्छे से याद हो जाती है, तो आप लोग देख लीजिए उसे, ताकि बेनिफिट मिल जाए। तो ग्रहणी के तीन भाग होते हैं, इलियम, सॉरी छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। ग्रहणी, इलियम और जेजुनम छोटी आंत के भाग हैं, जिनमें मैंने बता दिया है कि इलियम सबसे बड़ा है। तो ये जो ग्रहणी क्वेश्चन कहा गया है, ग्रहणी भाग है किसका, तो ये किसका भाग हो जाएगा, छोटी आंत का। अगला है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, तो हरे पौधे में जो पोषण की विधि होती है वो कौन सी होती है, स्वपोषण। क्यों? क्योंकि ये भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा क्या है, तो अमीबा ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्राणी संभोजी जीव, है ना, क्या हो जाएगा, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी क्या होता है, प्राणी संभोजी कहने का मतलब होता है कि वह विधि जिसमें क्या होता है, जीव प्राणी के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा करता है। तो प्राणी जैसे कि हम लोग इस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, या तो सॉलिड में करते हैं या तो लिक्विड के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में अगर कोई जीव फूड पार्टिकल्स को ग्रहण करता है, दोनों फॉर्म से, दोनों स्टेट से, सॉलिड स्टेट वाला भी, लिक्विड स्टेट वाला भी, तो वह कहलाता है प्राणी संपोषी। ठीक है, तो जितने भी एक कोशिकीय हैं वह मैक्सिमम जो होते हैं वह लिक्विड के रूप में एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन अमीबा जो है वह किस रूप में, सॉलिड और लिक्विड दोनों के रूप में एब्जॉर्व करते हैं। इसका मतलब है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण, प्राणी संभोजी पोषण पाया जाता है। अगला है, ऑक्सीन क्या है, तो देखिए ऑक्सीन की बात करें तो ऑक्सीन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन, जो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीन किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाने वाला हार्मोन है। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, सबसे पहला ऑक्सीन, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, उसके बाद एब्सिसिक एसिड, और उसके बाद क्या पाया जाएगा आपका, एथिलीन पाया जाएगा। तो 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं,
जो पौधे में मेनली नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन है एक प्रकार का हार्मोन जो पौधे की लंबाई में वृद्धि कराता है। तो 31वां प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए लार जो होता है जनरली स्रावित कहाँ से होता है, कहाँ से, लार ग्रंथि से। तो इसमें ऑप्शन में आप लोग ढूंढ रहे होंगे टाइलिन, टाइलिन कहाँ है भाई, टाइलिन तो है ही नहीं इसमें, तो टाइलिन नहीं है तो इमाइलेज है ना, क्या है, इमाइलेज तो है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इमाइलेज, यानी कि लार से कौन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इमाइलेज पाया जाएगा। और एक और क्या होता है जो काफ़ी आप लोग जानते हैं, टाइलिन होता है। तो दोनों याद रखिएगा, टाइलिन एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है इसीलिए मैंने टाइलिन को नहीं लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को शायद पता भी होगा। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और इमाइलेज दोनों पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद काउंट करके हमें बता दें कि आप लोगों ने कितना करेक्ट आंसर किया। वर्षा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर, डी, क्या हो जाएगा, वर्षा का पाचन किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा होता है, किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की बात करें, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है मुख से, क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह मुख में ही सबसे पहले निवाला को डालते हैं, जहाँ पर दांत के द्वारा हम भोजनों को पीसते हैं, लार के द्वारा भोजनों को वहीं से पचाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, 35वां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, यकृत में निम्न में कौन सा रस निकलता है, यानी यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्तरस। देखिए यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो लगभग जिसका भार क्या होता है 1.5 kg करीब होता है। तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से, लेकिन यह संचित कहाँ रहता है, पित्ताशय में रहता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि पित्तरस का स्राव ही होता है पित्ताशय से, लेकिन याद रखिएगा पित्तरस का स्राव पित्ताशय से नहीं होता है, यकृत से होता है, वह भले ही पित्ताशय में संचित रहे। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है, कवक में होता है, जंतु में होता है, या फिर हरे पौधे में होता है, या परजीवी में होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा और हमेशा किस में होगा, हरित लवक, सॉरी हरे पौधे में होगा, और वह भी कौन से हरे पौधे में, जिनमें हरित लवक पाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो देखिए ये आपका हो जाएगा इकोसिस्टम से क्वेश्चन है, तो हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उत्पादक, मैंने सारा डिस्कस करा दिया वीडियो में, जिसमें मैंने वन लाइन डिस्कस कराया था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, तो तीन पार्ट में सारे वीडियो को, सारे क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कराया था, तो आप लोग जरूर देख लीजिए, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है। अगला है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल, क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड जो है वह कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, द्विविखंडन होता है किसमें, तो यह भी क्वेश्चन देखिए इसमें जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हुए हैं, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39वें नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ई, अमीबा जो होता है उसमें द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पहले इसका डिस्कस करा दिया है और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में से बनता है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति की मात्रा कम होती है या नहीं के बराबर होती है। अगला है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्वसन। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सॉरी श्वसन नहीं, श्वासोच्छ्वास, क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, चूंकि आप लोगों को पता होगा हम जो सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और जब एक्सक्रिएट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जंतु का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ भी है। ठीक है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ में अंग नहीं कह रहा, क्यों, क्योंकि अंग हो जाएगा आपका किडनी, प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, किडनी, और उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन कैसे बना रहता है, तो एक प्रक्रिया है जिसके वजह से ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन बना रहता है, और वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के वजह से ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का संतुलन बना हुआ रहता है।
आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, इसका कमेंट आप लोग आंसर में जरूर बताइएगा आंसर कि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में कितनी है। मैंने ये सारा चीज़ पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने 30 प्रश्न उसमें पहले ऑलरेडी करवा दिया है, इसका यह सेकेंड पार्ट चल रहा है अभी। पादप में जालम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जालम किसके वहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के, किसके, जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन के लिए कौन होता है, फ्लोएम होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पादप में जालम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के परिवहन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी क्या हो जाएगा, एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, तो पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.5 किलो जूल पर मोल, क्या हो जाएगा, 3.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, यानी कि पौधे में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें कितने एडीपी के टूटने, सॉरी हाँ एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो कितना, 3.5 किलो जूल पर मोल। 46वां प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो काफ़ी हल्का क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, रक्त लाल दिखता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्कस करा दिया था कि एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस या पीसीज या फिर एवीज, इन सभी के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, कितने वल्व होते हैं, तो मैंने सारा चीज़ पहले पिछले वीडियो में बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। जितने भी मेमेलियंस होते हैं, तो मानव मेमेलियंस वर्ग से बिलोंग करता है, तो मानव के हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर हो जाएंगे। अगला है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है, तो मानव रक्त का औसत प्रकुंचन दाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120। प्रकुंचन दाब को इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120। अब अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए, बीपी की, तो वो हो जाएगा 120/80, क्या हो जाएगा, 120/80, कभी कभी 120/80 mmHg दे देता है, तो याद रखिएगा 120/80 mmHg के करीब होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर। mmHg क्या है, तो mm का मतलब होता है मिलीमीटर और Hg का मतलब आप लोगों को पता ही होगा पारे का संकेत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, किस भाग में होता है, तो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वह किस भाग में होता है, पत्ती में होता है, क्यों, क्योंकि पत्ती में रंध्र पाया जाता है और जितने भी वेस्ट वाटर बचते हैं, उत्सर्जी वाटर बचते हैं, वो उन सभी का वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। तो इसमें क्या कहा गया, वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, 72 बार, और प्रति मिनट सांस कितने बार लेता है, तो 16 से 18 बार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस क्रिया के लिए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क है शरीर का संकुचन बनाने के लिए, सॉरी संतुलन बनाने के लिए, सोचने के लिए तो है ही, हृदय स्पंदन के लिए भी है, हमारे मस्तिष्क का और भी पार्ट है जो उत्तरदायी है, लेकिन ये सारे को सम्मिलित रूप से हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संतुलन। तो शरीर में नियंत्रण और समन्वय के लिए जो उत्तरदायी होता है अंग, वह कौन सा है, मस्तिष्क है, ठीक है। मनुष्य में रुधिर बनता है, तो मनुष्य में रुधिर कहाँ बनता है, सॉरी क्षमता लिखा हुआ ना, बनने की बात करें तो रुधिर बनता अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो मनुष्य में रुधिर क्षमता कहाँ है, तो मूत्र वाहिनी में क्षमता है, ठीक है, कहाँ छनेगा, मूत्र वाहिनी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, मूत्र वाहिनी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, चूंकि मूत्र वाहिनी में अशुद्ध जो भी बचते हैं ब्लड उनका ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका आंसर बोमेन संपुट में, देखिए बोमेन संपुट जो होता है ना, प्याले के जैसी एक संरचना होती है, हमारा जो किडनी है उसमें निफ्रॉन होता है, तो निफ्रॉन में प्याले की संरचना होती है जिसमें जालिका बद्ध होता है, इस जालिका को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो रुधिर क्षमता कहाँ है, तो ग्लोमेरुलर में ही क्षमता है, कहाँ क्षमता है, ग्लोमेरुलर में ही क्षमता है, तो इसके हिसाब से हालांकि ग्लोमेरुलर नहीं दिया है, लेकिन ग्लोमेरुलर किसमें स्थित रहता है, बोमेन संपुट में, तो इसके हिसाब से आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है, बोमेन संपुट में, यानी कि बोमेन संपुट किसका भाग है, नेफ्रॉन का भाग है, और नेफ्रॉन किसका भाग है, किडनी का भाग है, तो किडनी में पाया जाता है बोमेन संपुट, नेफ्रॉन में, है ना।
अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल माध्यम क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ब्लड दो प्रकार के, एक लिक्विड फॉर्म में और एक कण के रूप में पाया जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है क्या? प्लाज्मा, यानी तरल अवस्था में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और रक्त कणिका जो आपका वह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसीजी हर्ट से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की बात करें, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि गुर्दा यानी कि किडनी का निर्माण किससे हुआ है? नेफ्रॉन से। इसीलिए जितने भी उसमें काम होते हैं नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, इसीलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लगभग 10 लाख के करीब होते हैं, यानी प्रत्येक गुर्दे में किडनी, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख के करीब। 56वां प्रश्न से, यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ठीक है ना, यानी उसका परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। और प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होता है? 2 किडनी होता है। यदि किसी कारणवश एक काम करना बंद कर दे तो दूसरा तो एक्टिव है, वह दूसरे से उत्सर्जन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वह किससे काम करेगा? दूसरे वृक्क से काम करेगा। नेक्स्ट है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका है? उत्सर्जन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की बात करें, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़ का। किसका? चीड़ का। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बबूल से गंध नामक उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होता है, पीपल से लेटेक्स नामक, और कनेर से भी लेटेक्स नामक उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होता है। और जहाँ तक रेजिन की बात करें तो रेजिन से चीर नामक उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होता है। अगला है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किस में? संचित रहते हैं, तो पौधे में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है वह संचित रहता है किस में? पत्ती में भी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, और छाल में भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो वृक्क संबंधित किससे है? तो वही क्वेश्चन है, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ठीक है, तो निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए। उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क यानी कि किडनी। 62वां नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो देखिए, त्वचा एक उत्सर्जी अंग हो जाएगा किस ग्रंथि के कारण? तो श्वेत ग्रंथि के कारण। हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है वह श्वेत ग्रंथि की वजह से ही निकलता है। तो यह क्या है? त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, यानी कि श्वेत ग्रंथि के कारण ही त्वचा एक उत्सर्जी अंग के नाम से जाना जाता है। हम इसमें तेजी में MCQs करेंगे, क्योंकि मैंने इसका डिटेल डिस्कशन पहले कर लिया है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? ठीक है, तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, देखिए अब यहाँ पर किडनी आप गलती से भी टिकआउट नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़े के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? फेफड़े के माध्यम से। क्यों? चूँकि हम लोग एटमोसफेयर से ऑक्सीजन नसिका के माध्यम से लेते हैं, है ना, जो कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। और शरीर में जितने भी नाइट्रोजनी पदार्थ बने उनमें से यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वह फिर से ब्लड के साथ घूमते हुए फेफड़े तक आता है, और फेफड़े के द्वारा नसिका से बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। तो फेफड़ा क्या है? किसका उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी, उत्सर्जी अंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो याद रखिएगा, फेफड़ा से होता है। अगला प्रश्न की बात करें, 64वां, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तनी गति का उदाहरण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है ना, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रासायनिक अनुवर्तन। देखिए, अनुवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है,
तो कभी भी क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा थॉट याद रखेगा, जिसका अनुवर्तन कहेगा उसकी दिशा में गति होगा। जैसे कि प्रकाश का अनुवर्तन कहा तो प्रकाश की दिशा में गति होगा, ठीक है। जल का अनुवर्तन कहा तो जल की दिशा में अनुवर्तन होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से सॉरी पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो यह हो जाएगा रासायनिक अनुवर्तन। अगला है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो 66वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज का, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पौधा में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विसरण, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट क्वेश्चंस है, तो इसको याद रखिएगा कि पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है, तो विसरण। और यदि पूछे कि मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराशरण, ठीक है। तो मूल रोम कहे तो पराशरण, यानी कि मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, पराशरण। और वायुमंडल से जो गैसेज या एब्जॉर्व करता है वह कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा, विसरण। अगला बात करते हैं, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अगला प्रश्न है, वायवीय अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो देखिए अवायवीय श्वसन से रिलेटेड मैंने पहले ही फैक्ट बता दिया था, श्वसन दो तरह के होते हैं, एक अवायवीय और एक वायवीय। तो वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। और अवायवीय श्वसन कहाँ होगा, कोशिका द्रव में होगा, कहाँ होगा, कोशिका द्रव में होगा। इसमें एनर्जी की का जो उत्पादन होता है वो थोड़ा कम मात्रा में होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो शायद यह रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले इसके बारे में बता दिया, तो इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है। सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है मनुष्य में, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। सांस लेने को प्रश्वास कहते हैं और सांस छोड़ने को उच्छ्वास कहते हैं। तो सांस जो हम लोग लेते हैं प्रश्वास, और छोड़े तो उच्छ्वास, और ये दोनों का सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने के से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल में। देखिए हमारी मांसपेशी में यानी पेशी कोशिकाओं में यदि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पाइरूवेट विखंडित होकर किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। और इसी की वजह से दर्द, थकान वगैरह महसूस होने लगता है, क्रैम्प महसूस होने लगता है। अगला है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो देखिए पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाया जाता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, श्वासोच्छ्वास, है ना। पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो किस रूप में होगा, सुक्रोज के रूप में। ये सब क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल हुआ है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना हुआ है। अगले बात करते हैं, हृदय के विषमों का शिथिलन क्या कहलाता है, देखिए हृदय के विषम में बारी बारी से संकुचन और शिथिलन होता है, तो शिथिलन को कहा जाता है डायस्टॉल। क्या कहा जाता है, शिथिलन को डायस्टॉल कहा जाता है। और संकुचन को क्या कहा जाता है, तो संकुचन को सिस्टॉल कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डायस्टॉल, यानी कि हृदय के विषमों का शिथिलन क्या कहलाता है, डायस्टॉल। अब अगर हृदय के विषमों की बात आई है, तो मैंने कहा था कि वर्ग के हिसाब से सभी जीवों में अलग अलग कोष पाए जाते हैं, जैसे कि पीसीज वर्ग की बात करें, ठीक है ना। तो पीसीज वर्ग के जीवों में दो हृदय होते हैं, सॉरी हृदय में दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं एम्फीबिया का या फिर रेप्टिलिया का, तो इस दोनों में तीन हृदय होते हैं। अगर बात करें मैमेलिया और एवीज का, तो इन दोनों में चार होते हैं, यानी कि इनके हर्ट में जो चैम्बर होते हैं वह चार चार, कितने, चार चार। पीसीज वर्ग यानी कि मछली वर्ग में दो, एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस में तीन, और मैमेलियंस और एवीज में चार होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। नेक्स्ट है, फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त
के किस कोष्ठ, रक्त हृदय के किस किस कोष्ठ में लौटता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायां अलिंद में। कहाँ? बायां अलिंद में। ये सारा चीज़ यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने सारा डिस्कस कराया हुआ है। अगला है जल और खनिज लवण द्वारा, जल और खनिज लवण प्रायः किस ऊतक के द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर पादप की बात की जा रही है, तो मैंने ट्रिक बताया था, जौ से जल, जौ से जाइलम, दोनों का फर्स्ट अक्षर जो है वह जौ है, तो याद रखिएगा। पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन को। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो वो हो जाता है न्यूरॉन। ठीक है, तो इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का है और नेफ्रॉन क्या है? वृक्क का है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ये क्वेश्चन पहले मैंने करा दिया है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। ठीक है, मनुष्य का प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मनुष्य जो है ये यूरिया के रूप में रेगुलर एक्स क्रिएट करता है। ठीक है, और एवीज वर्ग के जितने भी जीव है वह यूरिक एसिड के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य में वृक्क एक तंत्र हिस्सा है वह संबंधित किससे? तो उत्सर्जन से है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही हो रहे हैं, मतलब जितने टाइप से पूछे जा रहे हैं मैंने वो सारा टाइप इसमें कवर किया है। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम। अब देखिए मैंने ये भी डिस्कस कराया हुआ है कि एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है ना, ये सारा चीज मैंने डिस्कस कराया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अगला है पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है रंध्र। ठीक है, पत्ती के सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है, जो गैसीय विनिमय में सहायक होता है। ठीक है, अगला है लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम हो जाएगा आपका कौन कौन सा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए टाइलिन हो जाएगा। ठीक है, क्षुद्रांत के भीतरी सतह पर पाए जाने वाला सर्जी अवशोषक भाग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलाई। ठीक है ना, यानी कि हम लोग जितना भी खाद्य पदार्थ खाते हैं वह इलियम के विलाई के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलने का कार्य किस कोशिका में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अगला है एक पाइरूवेट जो एटीपी में अंतस्थ रहता है उसके टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न कि वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वसा का वहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। इसमें